ये आपको हाँ बोलेंगे, इधर स्माइल आ रहा है, तो यहाँ पे शायद 95% रिजेक्शन और 5% एक्सेप्शन रहेगा, तो उसके लिए तैयार हो जाइएगा। फिर आता है वॉर्म, मतलब जिसको आप जानते हो लेकिन इतना नहीं जानते, फिर भी उनको छोड़ना नहीं है, उनसे भी बात करनी है आपको, आपके ड्रीम के बारे में, उनके ड्रीम के बारे में आपको बात करनी है। फिर कोल्ड, यहाँ पे स्ट्रेंजर्स है, जिसको आप नहीं जानते ना, शायद हम मराठी में कहते हैं किराई, थर्ड पर्सन, जिसको आप जानते भी नहीं है, लेकिन शायद उसको ये आत्मविश्वास रहेगा कि ये कुछ कर रहा है और उसके साथ जुड़ के मैं कर सकता हूं। अगर वो उसको विश्वास दिला पाए ना, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये कोल्ड मार्केट इज अ ह्यूज मार्केट, तो ये प्रेफरेंस में पहले हॉट, वार्म और कोल्ड मार्केट को आपको एक्सेप्ट करना है। फिर प्रोफाइल में आप देखोगे तो क्या है, हमारे से जरा ऊपर है, उनको छोड़ना है क्या? नहीं, उनको हमारे साथ जोड़ना है, जो हमारे साथ वाले स्टेटस पे चलते, लाइक मेरा 1 लाख इनकम है तो उनका भी 1 लाख के इनकम पे है, 1.25 लाख पे है, तो उनको छोड़ना है क्या? अपने स्टेटस वालों के साथ भी कैप्चर रहना है। फिर इंफीरियर है, मैं 1 लाख कमाती हूँ, शायद वो 50,000 कमा दे, लेकिन उनकी भी मनीषा रहेगी कि वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाए, उनकी जितनी भूख है तो वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जिसको अगर गुलाब जाम खाना है तो गुलाब जाम के लिए काम करेगा, जिसको लड्डू खाना है तो लड्डू के लिए काम करेगा, लेकिन वो भूख होनी चाहिए, वो करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी वो काम हो सकता है। यहाँ पे रिमार्क्स जो है, प्रेफरेंस तो हमने देखा जो प्रेफरेंस में है, फिर हमने प्रोफाइल देखा, और फिर रिमार्क्स में जितने लोगों के पास आप जाओगे सब लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, कोई लोग आपके साथ कंज्यूमर के हिसाब से जुड़ेंगे, मुझे सिर्फ चाय देना, आज मेरा ऑर्डर था चाय कॉफी, नहीं पहले तो उन्होंने टूथपेस्ट से शुरुआत की थी, लेकिन आज चाय कॉफी कोकोजी स्पिरुलिना और टीटी क्रीम सब मंगा लिए, एक दिन छोटा वाला टूथपेस्ट जरा मिलेगा पूछा था, लेकिन आज वो पूरा टर्न आउट हुए, तो कंज्यूमर के हिसाब से वो इन होगे, एंट्री होगी, एक्सेप्ट कीजिए। शायद कोई ऐसा स्पार्कलिंग रहेगा, बोलेगा मेरा फॉर्म भर दे, मैं पूरा घर का सामान ब्रांड चेंज कर दूंगा और मैं काम करने को भी तैयार हूंगा, 5% मिलेंगे, सब नहीं मिलेंगे। शायद कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर जाके फिर नेटवर्किंग में जाने वाले भी आपको मिलेंगे, लेकिन वो विचारधारा तैयार करने को थोड़ा टाइम दीजिएगा। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द प्रोस्पेक्ट लिस्ट। क्या होना चाहिए प्रोडक्ट में, हमको क्या होना चाहिए? 100% यूजर। कितने लोग हैं जो डीएक्सएन के प्रोडक्ट 100% यूज करते, मतलब जितने भी डीएक्सएन के प्रोडक्ट है वो अपने घर में, वो हॉल से लेके वॉशरूम तक और वॉशरूम से लेके हॉल तक बेडरूम तक मैं देखने आऊंगी। हाथ ऊपर किए तो एड्रेस लेके घर में देखने आऊंगी, गलत हाथ मत ऊपर कीजिएगा। सो 100% यूजर, तालियां होनी चाहिए। तालियां इसलिए बोली, 3 टाइप के कंज्यूमर रहते हैं, लोकल जो भी मिल जाता है यूज कर लेते, थोड़ा अच्छा दर्जे वाला होगा वो यूज कर लेते, लेकिन रिसर्च डेवलप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जो डॉक्टर लिन सियोजी ने दिए है, डीएक्सएन ने दिए है, वो 100% यूज करने के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है। जो एकेडमिक्स में, मतलब पढ़ाई में अच्छे होते हैं ना, वो सीईओ नहीं बनते। आप देखिएगा कितने भी बड़े बड़े कंपनीज है ना, उधर पे जाके उसका थोड़ा सा रिजल्ट मांग के पूछिएगा, 90% लाए कि 99%, वो नहीं सीईओ बनते। जो निर्णय क्षमता रखता है ना कि मुझे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज करने, वो सीईओ बनता है। क्या बनना चाहते हो? सीईओ बनना चाहते हो? डॉक्टर लिम ने आपको प्लेटफॉर्म दे के रखा है, लेकिन निर्णय किसका रहेगा? डॉक्टर लिम ने तो अपना निर्णय ले लिया, आपको प्रोडक्ट्स तो दे दिए, लेकिन 100% लेने की क्षमता, जो निर्णय है वो किसके हाथ में है? हमारे हाथ में, माझा हाथ जगत हाथ। सो 100% यूजर आपको होना है। प्रोडक्ट से अगर आप सेटिस्फाइड होते हो
तो क्या करना चाहिए, महिला तो बहुत एक्सपर्ट है, बात मत करो, थोड़ा मैं अभी चुपचाप इधर खड़ी हो जाऊंगी ना तो उधर आवाज नहीं आएगा, इधर से आवाज आने को शुरू हो जाएगा। कितना विचार करती रहती है, दे आर हाइपर एक्टिव, और ऊपर वाले की ये एक्चुअली देन है कि वी आर हाइपर एक्टिव, लेकिन उसको हाइपर एक्टिविटी को वो चैनल को अच्छे से आप चैनलाइज कीजिए। जो शेयर करने की महिला की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। आप देखो, मैं मजाक में कहती हूं, बाजार हमारे लिए बैठता है और बाजार हमारे लिए उठता है। आप देखिएगा बाजार में जाके, मैं मेरे बच्चे को हमेशा कहती हूं, माझ्यासाठी बाजार बसतो आणि माझ्यासाठी बाजार उठतो। बाजार में आप 95% जेंट्स भी बैठे हैं ना, फिर भी औरतों की चीजें लेके बैठे होंगे, क्योंकि पावर ऑफ परचेसिंग जो है ना वो औरत के पास है। आप देखोगे अगर गहना चाहिए ना तो वो 2 तोले का 5 तोले का हार कैसे भी करके घर में आएगा, चने की दाल में, चावल में, किधर रवे के डब्बे में, वो 10 रुपया 5 रुपया कभी 50,000 हो गया पता भी नहीं चलेगा। इट्स अ फैक्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन ये शेयरिंग चैनल आपको बहुत अच्छे से यूज करना है, आपको लोगों तक प्रोडक्ट अच्छे से पहुंचाना है। सो यू हैव टू स्टार्ट शेयरिंग द प्रोडक्ट विथ अदर्स। पहले 100% यूजर्स एंजॉय करो प्रोडक्ट को और फिर लोगों तक वो पहुंचाना शुरुआत कर दीजिए। फिर आता है डेली रिटेलिंग। आपको लगता है कि जो टाटा बिरला अंबानी है इतना बड़ा बड़ा बिजनेस है तो वो हर रोज काम करते हैं कि अठवड़े में एक बार, महीने में एक बार, कभी कभार काम कर लेते, ऐसा है क्या? सुबह 9 बजे ऑफिस में अंबानी जी पहुंच जाते, टाटा जी भी 7:45 को ऑफिस में पहुंच जाते। इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद भी वो खुद को एक जगह पे नहीं रखते। एवरी डे उनका वो जो मीटर जो है चैनल क्या करते रहते हैं, चालू रहता है। रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आप किस हिसाब से वो रूटीन करते हो दैट्स मैटर्स अलॉट। तो आपका रिटेलिंग डेली होना बहुत जरूरी है। आप बात करना चाहिए, हर रोज प्रोडक्ट यूज करना चाहिए और हर रोज प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। कितने लोग रिटेलिंग करते हैं? आज जो मैंने प्रोडक्ट दिया मैंने एमआरपी में दिए, मैंने रिटेल प्रॉफिट लिया उसका, क्योंकि रिटेल प्रॉफिट इज अ मेन फर्स्ट चैनल ऑफ प्रॉफिट ऑफ योर पॉकेट। कितने लोग हैं जो रिटेल प्रॉफिट पॉकेट करते हो? क्योंकि वो सच्ची इमीडिएट इनकम है, कैश फ्लो जो बोलते हैं ना, इमीडिएट क्या बोलते हैं उसको, बुक में रकम जो बोलते हैं ना, वो रिटेल है और वो होना बहुत जरूरी है। यूज एंड शेयर, पहले 100% यूज कीजिए फिर शेयर कीजिए। और ये सारे प्रोडक्ट जो है ना ये बहुत यूनिक है, वर्ल्ड क्लास रिसर्च प्रोडक्ट है, हर कोई यूज नहीं करेगा, लेकिन जिसका ढक्कन खुल गया, जिसने निर्णय लिया तो वो कभी छोड़ेगा नहीं। कितने लोग हैं 5 साल से ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? 5 साल से, वेरी गुड। 10 साल से, 15 साल से, 2 हाथ ऊपर, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। 15 साल के ऊपर मैं खुद हूं। क्योंकि यूज करने के बाद शेयर करने में कॉन्फिडेंस रहता है, एक आत्मविश्वास रहता है, हिल नहीं पाओगे। कोई बोलेगा अरे तेरी कॉफी महंगी है, एक बार किसी ने बोला था, मैंने कॉफी उधर रख दी, मैंने कहा इसके लेवल की दूसरी कॉफी लाके इधर बाजू में रख देना, मैं ये छोड़ दूंगी आपकी कॉफी यूज करूंगी, बाद में आया ही नहीं। और फिर बोला 2 पैकेट कॉर्डिसेप कॉफी और ब्लैक कॉफी भेज दीजिएगा। आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर शेयर किए यूज किया है ना तो शेयर करने में हिम्मत आती है, नहीं तो कोई बोलेगा अरे महंगा है, अरे कड़वा है,
पहले तो मैं भी वो कॉफी अच्छी नहीं लगती थी मुझे, इन्होंने जब लाया था ना तो बहुत गुस्सा हुई थी, काय पण या माणसाला कोणी देतं आणि घेऊन घेतो आणि आमच्या गळ्यात कडू कॉफी मारतो. लेकिन जब उसका रिजल्ट आने को शुरू हुआ, 90 किलो से 70 किलो आ गई, एंटी एजिंग शुरू हो गया, तब हस्बैंड अच्छा लगने लगा, कॉफी अच्छी लगने लगी. ऐसा लगता था माणसाला मजा पर राग आए कि गुस्सा है कि क्या समझ में नहीं आता है, कड़वा कॉफी लाके दे रहे. लेकिन आज पहला मग मेरा बनता है, फिर उनका बनाती हूँ. उसके पहले नहीं पिलाती, आज भी वही करती हूँ. कप तो मग तो दोनों के 450 ml के बनते हैं, लेकिन पहला कप तो मेरा बनता है 450 का, फिर उनका. पहला उनको नहीं पिलाऊंगी, खुद जिंदा रहूंगी तो खुद को ऑक्सीजन लगाओ, फिर उनको. महीने में 4 पैकेट लगते हैं. लेकिन दिस इज समथिंग यू नो, ये आप जब 100% यूज करते हो, इसको एंजॉय करते हो ना, तब आपकी ये हिम्मत आती है, तब आप वो शेयरिंग कर सकते हो. और वो शेयरिंग करना बहुत जरूरी है. सो यूज है शेयर. कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट डेली, संपर्क. और जिस चीज से आप प्यार करते हो ना, आपने आपके ड्रीम को एम्बेरस किया, मतलब गले से लगाया, काळजाला ठेवलं, तो उसको ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? आपका बच्चा रहेगा तो उसको नहलाते खिलाते रहोगे ना प्यार से? वैसे ही आपको हमेशा डेली कॉन्टैक्ट और इनवाइट करना बहुत जरूरी है. जब तक आपके माइंड में वो नहीं चलेगा, आपके पास से दूसरे के माइंड में वो नहीं जाएगा. इसलिए डेली आपको किसी से तो बात करनी है, डायरेक्ट ये नहीं बोलना है, बट कोई तो जरिया रहेगा. अगर कोई मेहमान आया, पिला दो ब्लैक कॉफी. एक जो मेरा गेस्ट था ग्रीन कॉफी पीता था, तो मैंने कहा चलो एक ब्लैक कॉफी पिला के देखती हूँ. आज मेरे पास ग्रीन कॉफी नहीं है, ब्लैक कॉफी देती हूँ. उसको कुछ पता नहीं, गैनोडर्मा नहीं पता, लिंगजी नहीं पता, डॉक्टर लिंग नहीं पता, कुछ नहीं. लेकिन वो कुछ ग्रीन कॉफी पीता था, मैंने चल ब्रांड चेंज करके एक दूसरा कॉफी पिला के देखती हूँ. उसका भी ग्लास बनाया, मेरा भी ग्लास बनाया, मॉरिशस से आया था, और उसका थोड़ा खांसी और उसको गले में तकलीफ थी. आधा पौना घंटे के बाद बोला कि कॉफी और बची है क्या, आई वुड लाइक टू हैव इट. करना आना जरूरी है. मैंने यहाँ बिजनेस नहीं दिखाया, मैंने उसकी जो हैबिट है ना कॉफी की, उसकी जो जरूरत है ना, उसको थोड़ा अपग्रेड किया अपने ब्रांड के हिसाब से. अभी कभी भी आता है वो जरा पैकेट ले, कुछ मत लाना मेरे लिए, लेकिन वो पैकेट चाहिए. तो वो ऑटोमेटिकली आपको उनको आपके ड्राइव में लाना है. पेनड्राइव रहता है दोस्तों, कैसे ड्राइव में लाते हो ना, तो वैसे आपको उनको आपके ड्राइव में लाना है. तो डेली कॉन्टैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन्विटेशंस आर इम्पोर्टेंट. आप जो भी कर रहे हो उसके लिए आपको उनके साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है. कोई भी जरिया रहेगा, आपकी पिकनिक रहेगी, आपका किटी पार्टी रहेगा, स्कूल में जब जाते छोटे बच्चों को छोड़ने जाते हो, ऑफिस में रहोगे, लंच टाइम में आप आपका पैकेट खोल के स्पिरुला खाओ या तो कोकोजी पियो, कॉफी पियो. लोग आपको देखने चाहिए कि आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि आप पे जितना ध्यान नहीं रखते ना, लोग आपके ऊपर ध्यान रखते हैं, आप क्या क्या करते हो. बहुत बार कैसे इसमें क्या फर्क हो रहा है, स्पिरुला खाने से ये जरा तरोताजगी दे रहा है, कॉफी पीने से ये मच बेटर रहता है, तो वो आपके ऊपर ध्यान रखे हुए. सो डेली इन्विटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों से कॉन्टेक्ट करना बहुत जरूरी है. लेकिन कॉन्टैक्ट कैसे होना चाहिए, कि कॉन्टैक्ट करते वक्त आपको क्या कहना है लोगों से, कि मैं कुछ एक अच्छा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं और हम दोनों मिलकर ये प्रोजेक्ट अच्छे से कर सकते हैं, मुझे सिर्फ आपके कुछ घंटे चाहिए, आधा घंटा पौना घंटा, और ये फोन पे नहीं हो सकता, ये हम एक दूसरे को मिलेंगे, कुछ आंकड़े कुछ चीजें एक दूसरे से बात करेंगे, तो आपको समझ में आएंगी हम एक साथ अचीव कर सकते हैं. आपको समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज एक अच्छे दोस्त बन के हम जरूर रहेंगे. मैं बोलूं, पहले हम बिजनेस बताते थे ना, लोग हंसते थे. आपको याद है कोविड के पहले हम क्या बात करते थे, रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यून सिस्टम.
3% लोग इम्यून सिस्टम के लिए काम करते थे, 97% सोए हुए थे, कोरोना ने क्या किया उनको उठा लिया। अभी 100% लोग इम्यून सिस्टम के लिए बात करते हैं, सब लोग ना। फार्मास्यूटिकल्स भी अभी क्या हो गई है, न्यूट्रोसिटिकल्स, क्या हो गई है न्यूट्रोसिटिकल्स। आते हैं ना बिस्किट्स, रागी वाले बिस्किट आते हैं, विटामिन ई आ रहा है, एंटीऑक्सीडेंट्स आ रहा है ना, फार्मा को न्यूट्रा हो गया। तब हमारे ऊपर मजाक उड़ाया जाता था और हम लोग बोलते थे क्या वो चाय लेके घूमते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, स्पिरुला लेके गोलियां लेके घूमते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के लिए घूमते हैं, इम्यून सिस्टम के लिए घूमते हैं। और वही कोविड के वक्त जो हमको छोड़ के चले गए या तो ना बोले थे, 15 साल बाद तुझे ती कॉफी है का ती काली कॉफी तुम्हें पैसे थे। एक बड़ा ऑफिसर अभी भी आज वही करते हो क्या, सर आपको अगर लिंगजी कॉफी चाहिए ना, उस वक्त भी मैं लिंगजी कॉफी यूज करती हूँ, करती थी, आज भी करती हूँ, और आज कोविड में मस्त हूँ, और कल जाके कोई भी चीज आए लेकिन लिंगजी कॉफी की वजह से मैं आज तंदुरुस्त हूँ। आपको चाहिए मैं कुरियर कर सकती हूँ, पैसे भिजवा दीजिए अकाउंट में, ये MRP प्राइस है, जिसको मैंने डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के लिए बोला था आज उसको MRP पे सेल कर दिया, क्योंकि वो मेरा दुश्मन नहीं है, लेकिन उस वक्त वो निर्णय नहीं ले पाया था। अभी कोविड की वजह से उसका निर्णय बदल गया, तो हम अच्छे दोस्त बन के रह गए, लेकिन आज एक अच्छे डीलर के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन मेरा एक तत्व है, मैं उसको MRP में ही देती हूं, क्योंकि मेरा रिटेल प्रॉफिट मेरा हक है। ये आपको समझना चाहिए, ये आपका निर्णय होना चाहिए। तो एक तो हम बैठ के समझ लेंगे कि कुछ अचीवमेंट एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, या अगर आपको नहीं पसंद आया तो हम अच्छे दोस्त बनेंगे, जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब आप आ सकते हो। शो योर एक्साइटमेंट, जब आपके हम उम्र वाले लोग हैं तो उनके साथ आपको फुल एक्साइटमेंट से बात करना है। आपके पास जब इन्विटेशन आपको करना रहता है तो इन्विटेशन यानी फोन पे प्रेजेंटेशन नहीं होगा, एक चीज बोल दो, देख थोड़ा सा कहते नहीं साहब, कुछ तो बोल दो, मैं किस चीज के लिए मिलना चाहते हो, किस चीज के लिए बैठना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो, तो फोन पे इन्विटेशन ही होगा, प्रेजेंटेशन नहीं होगा। उनको सिर्फ यही बोलना है कि मुझे आपको मिलना है और एक साथ हम एक प्रोजेक्ट पे काम करके अच्छा सा कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ। और उनको दो चॉइस देंगे, याद रखो अगर आपको दो चॉइस किसी ने दी है ना तो आप उसमें से एक चुन लेते हो, लेकिन आपने चॉइस ही नहीं दी ना तो उनकी चॉइस चलती है। तो मुझे मंगलवार शाम को या बुधवार सुबह का टाइम है, कब मिल सकते हो, तो वो बोल देगा कि मंगलवार शाम को मिलूंगा, क्योंकि बुधवार सुबह को किसी को टाइम डेफिनेटली नहीं रहेगा, सो डेफिनेटली से मंगलवार शाम को मिलके बैठ के बातचीत कर लेंगे, लेकिन एकदम नॉर्मल के हिसाब से आपको बात करनी है। और एक हार्ड टचिंग के हिसाब से जब आप कॉल करते हो इनवाइट करने के लिए, कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो पहले घर का पूछताछ करो, माँ बाप कैसे है, बच्चे कैसे, घर में क्या हाल है, कोई बीमार है क्या, उस समझो वो किस चीज से जा रहा है। आप भले खुशहाल होगे लेकिन उसका जो चढ़ाव उतार चल रहा है तो उसको थोड़ा समझो, उसके लेवल में आके विचार करो कि वो किस माहौल में आज है, तो उस माहौल से उसको निकालने के लिए यू हैव टू हैव दैट हार्ट फॉर हिम। अगर वो कुछ बीमारी से गुजर रहा है, कर्जे में है, या तो बच्चों की पढ़ाई या शादी के कर्जे में है या विचार में है, तो उसको आप बोल सकते हो कि जो प्रोजेक्ट है एक साथ करेंगे तो उसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। एक साल का करो, 3 साल के लिए करो, 5 साल के लिए करो, जो आपके सपने हैं तो हम पूरा कर सकते हैं, हेल्थ में भी और आपके चीजों में भी आप कर सकते हो। बट डू नॉट रिक्वेस्ट, एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, गिड़गिड़ाने की, स्पष्ट शब्द, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप गिड़गिड़ाओगे ना तो उसको लगेगा उसकी जरूरत, मतलब आपकी जरूरत के लिए उसके पास जा रहे हो। एक्चुअली आप उसको किस चीज के लिए कांटेक्ट कर रहे हो, उसके सपने पूरे करने के लिए आप कांटेक्ट कर रहे हो। ये अगर आपके विचार क्लियर है तो आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सो इनविटेशन इज नॉट बेसिकली प्रेजेंटेशन. बहुत सिंपल से आपको करना है कि आपका आधा घंटा चाहिए, या अगर आपके साथ नहीं बैठना चाहता है, ऐसी मीटिंग रहेगी तो वो मीटिंग में भी आप उसको इनवाइट कर सकते हो. और इनविटेशन में जितना आप कम बोलोगे उतना अच्छा है, और प्रेजेंटेशन में जितना ज्यादा बोलोगे, जैसे मैं आज बड़बड़ रही हूं, तो वो ज्यादा बोलोगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पे माइंड जो है क्लियर होगा, आपका डिसीजन मेकिंग ज्यादा फास्ट हो जाएगा. शो द प्लान. कितने लोग हैं जो बिजनेस प्लान जानते हैं, डीएक्सएन जानते हैं, दिखा सकते हैं? वो हाथ नीचे आ गए. जानते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते. तालियां होनी चाहिए उनके. वेरी ऑब्वियस, वो जानती है बिजनेस प्लान लेकिन दिखा नहीं. अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो आप दिखा सकते हो? यस. तो दूसरी तालियां होनी चाहिए. ये जो बिजनेस प्लान है वो बहुत जरूरी है. शो द प्लान. लोगों को आंकड़े में इंटरेस्ट है. वो नंबर कितना मेरे जेब में आएगा, मेरे अकाउंट में जाएगा, वो लोग देखना चाहते, ज्यादा पसंद करते. आप क्या कर रहे हो उससे उसको लेना देना नहीं है. मेरे अकाउंट में कितने आएंगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नो द नीड ऑफ द ऑडियंस, मतलब ऑडियंस आपका क्या चाहता है, उनको वो चीज दो. अगर किसी को पूछा क्या खाना चाहते हो, बोला गुलाब जामुन, उसको जिलेबी दी तो खाएगा? खाएगा, लेकिन वो मजा नहीं आएगा. तो वो जो क्राउड चाहता है, वो जो बंदा चाहता है कि मुझे ये चाहिए, तो उस बिजनेस प्लान में वो शो करो. अगर वो हेल्थ चाहता है तो प्रोडक्ट्स दिखाओ. अगर वेल्थ चाहता है तो उसको बिजनेस प्लान दिखाओ. या तो चाहता है सिस्टम बिछा कर रखू मेरे रिसोर्स के साथ, जो भी मेरा इनकम रिसोर्स है उसके साथ एक और रिसोर्स जोड़ना चाहता हूं, तो वो रिसोर्स दिखाओ कि चल तेरा एक बिजनेस शुरू हो जाएगा, तेरे बच्चे का, तेरी बच्ची का. सो वॉट एवर द क्राउड मीन्स, जो देखने वाला है वो जो चाहता है उसको वो सर्व करना आपका बहुत कर्तव्य है. गिव देम व्हाट दे वांट. यू मस्ट हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. आपका एटीट्यूड कैसे होना चाहिए? बच्चा कुछ भी प्रॉब्लम लेके आता है तो माँ बाप क्या कहते हैं? ठीक है, ये ठीक करवा देता हूं. तो आप वो डिस्ट्रीब्यूटर के माँ बाप हो. जो नया बंदा आपके साथ जुड़ा है तो वो आपके आपको एक माँ बाप के नजरिए से देखता है. तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? अगर कुछ प्रॉब्लम है, फॉर्म भरने को नहीं आता है, आई हेल्प यू. ऑफलाइन है फॉर्म, उसको मदद करो. ऑनलाइन है, उसको मदद करो. 6% से 37% तक कैसे जाना है, क्राउड एम्बेसडर कैसे बनना है, ये पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छे से हो तो आप उनको भी मदद कर सकते हो. किधर प्लान दिखाने जाना है, किसी से अच्छा कॉन्टैक्ट जुड़ाने जाना है, तो वो आपको साथ में लेके जाएगा, नहीं तो वो आपको साथ में लेके जाने वाला नहीं है. आपका एटीट्यूड कैसे होना चाहिए? प्रॉब्लम